काफी समय से एक विवाद चल रहा है कि सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट हो रही है और कांग्रेस और कुछ एक विपक्षी दल बार बार ये आरोप लगाते हैं कि साहब वैकेंसियां पुरानी हैं, उस तरह का आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है वो गलत है। तो हमने टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट आपके समक्ष एक छोटी सी एक्सरसाइज करके उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मोटे तौर पर संक्षेप में यदि एक वाक्य में मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा कि यूपीए की सरकार के दौरान क्या हुआ और इस सरकार के दौरान क्या हुआ, उसका सबसे उपयुक्त तरीका ये होगा कि थोड़ा सा तुलनात्मक विश्लेषण हो कि 2004 से लेकर के 9 वर्षों में 2013 तक कैसा रहा दृश्य, और फिर 2014 से लेकर 2023 तक। और मैं तो ये कहूंगा कि जहां तक सरकारी नौकरियों का संबंध है, ना केवल गणित अगर देखा जाए जिसके ऊपर वो बार बार इशारा करें, तो गणित के हिसाब से भी हमारे आंकड़े आपको बेहतर नजर आएंगे, बल्कि गुणवत्ता के लिहाज से। सो इट्स बोथ बीन अ क्वांटिटेटिव एज वेल एज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस एंड डिफरेंस फॉर द बेटर। ये एक पत्रक है, आपको हम वितरित भी कर देंगे। अगर कुल मिला के देखे जाए तो पिछले जो पहले 9 वर्ष थे यूपीए सरकार के, उसमें 6 लाख और 2045 रिक्रूटमेंट रही। उसकी तुलना में इन 9 वर्षों में, आई विल गिव यू द लेटर ऑल्सो, उसकी तुलना में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में पहले 9 वर्षों में 8,82,191। अगर 8,82,191 इसके अतिरिक्त आप अगर इसका ब्रेकअप करके देखें, क्योंकि मोटे तौर पर भारत सरकार में 3 एजेंसीज हैं रिक्रूटमेंट की, एक तो सर्विस सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दूसरा है यूपीएससी और तीसरा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड।